अब इसके बाद बुलेट ट्रेन चलेगी। आपने व्यवस्था देखी है लोकल ट्रेन्स? यहाँ बुलेट ट्रेन की बजाय हमें जो हमारी जो लोकल ट्रेन्स जो पैसेंजर्स ट्रेन्स हैं उनके जो फेरे उनके जो आवागमन है उनमें डिब्बे उनको बढ़ाए जाए, उनकी बढ़ाइए, तेजी लाइए, स्पीड बढ़ाइए और ट्रेन चलाइए। अब फरीदाबाद पहला स्मार्ट सिटी बना, यहाँ की दुर्दशा देखी आपने? हमने इस पर स्टोरी भी की है। URM स्कीम थी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन। अच्छा। कुमारी सैलजा शहरी मंत्रालय की मंत्री थी, उनके समय में 1600 करोड़ रुपया फरीदाबाद को मिला। आज हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ मैं, दूर की बात देश की छोड़ दीजिए। किसान दुखी, पहलवान दुखी, जवान दुखी, दलित दुखी, महिला दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, तो सुख किसको है? 45 तो पेपर लीक हो गए हैं। जो भी एग्जाम होता है उसी का पेपर लीक। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आम तौर पर प्रचलन रहा है चुनावों के दौरान हर पार्टी उस प्रदेश की या देश की जनता से वादे करती है कि यदि जनता ने उनको जिताया तो वो उस जनता के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनको सुख पहुंचाने के लिए क्या क्या काम करेंगे। अब वो कितना करते हैं कितना नहीं, कितना उन पर खरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, तो इस बार भी भाजपा ने इन विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता को बहुत सारे प्रलोभन दिए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं, संकल्प पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन कांग्रेस पर हम ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो पिछले 10 साल से बाहर है। जब वो सत्ता से बाहर है तो पूरे क्या करती। हालांकि यदि वो सत्ता में लौटती है, जैसा कि लग रहा है कि सत्ता में कांग्रेस लौट रही है, तो इस बार उसके वादों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम में आज फिर हमारे साथ हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रहे और राजनीतिक विश्लेषक सुरजेवाला जी से मैं कहूँगा कि ये जो मुद्दे मतलब जो वादे हैं इन पर सरकार या भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में चाहे विधानसभा क्षेत्र विधानसभा के चुनावों में उन्होंने वादे किए हों या लोकसभा के में, तो कितने प्रतिशत जी वादे पर वो खरे उतरे? आपने जैसे फरमाया कि चुनाव के समय हर दल हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर जी और वो एक रोड मैप लेके चलते हैं कि हम आपके लिए ये कुछ करने का हमने इरादा बनाया है जी। इस बार हरियाणा में मुख्य दल दो हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें मोटे तौर पर सात वायदे उन्होंने अपने दोहराए। हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा दोहरा दीजिए। मैं बताता हूँ, जैसे कि महिलाओं के प्रति उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपया प्रति माह महिलाओं को मान सम्मान के तौर पर राशि उनको देंगे। वृद्धावस्था की जो पेंशन है वो हम 6000 रुपया प्रति 3000 मिल रही है जी हाँ, जो आज के दिन 3000 है उसको बढ़ा करके 6000 प्रति माह हम उसको करने जा रहे हैं। MSP की गारंटी है किसानों के लिए, है दलितों के लिए है कि भी उनको मकान भी देंगे, 100 गज के प्लाट है वो भी उनको हमने देने का इरादा है, ऐसे उनके 7 गारंटी है। इसी प्रकार भाजपा ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें उन्होंने 20 वायदे किए, कांग्रेस ने 7, हाँ भाजपा के 20 हैं और उस 20 के अंदर क्या कुछ बातें तो जो कांग्रेस की है उन्हीं को उन्होंने दोहराया है। कांग्रेस ने कहा 2000 रुपये देंगे, उन्होंने कहा हम 2100 रुपये देंगे। कांग्रेस ने कहा महिलाओं को हम जो ना रसोई गैस का जो सिलेंडर है 500 रुपये में देंगे, उन्होंने भी कहा हम देंगे आदि आदि। 2 लाख कांग्रेस ने कहा कि हम जो है ना पक्का रोजगार देंगे,
2 लाख नौकरियां देंगे। भाजपा ने भी कहा है कि हम स्थायी नौकरी देंगे, 2 लाख देंगे। चलिए, इस तरह के 20 उनके वायदे हैं। अब हम बात करते हैं, आपका सवाल बड़ा सीधा था, स्टीक सवाल था कि ये वायदे जो किए जाते हैं निभाए भी जाते हैं क्या? लगता तो नहीं। अब उसी बात को हम आगे लेके चलें कि अब जैसे यही एक मुद्दा है कि 2 लाख स्थायी नौकरी देंगे, अभी क्या इनका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ था? 10 साल से क्या कर रहे थे भाई? 10 साल में किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था क्या? आपने नौकरी देने की बजाय नौकरियां छीनी है जी। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे थे, आप अगर ये तो आगे का है, आगे ये सत्ता में आएंगे तो इनको निभाएंगे कि ना निभाए, आप पिछले उठा लीजिएगा, पीछे का देखिएगा, 2014 में सत्ता में आए और फिर 2019 में भी रिपीट किया इन्होंने। उस वक्त कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी आए जो बड़ा लोगों को एक लगा कि एक अच्छे दिन आएंगे। उन अच्छे दिनों में क्या था? सबसे पहले तो चला स्वच्छ भारत जी, जो कि पहले कांग्रेस के जमाने में भी था, निर्मल भारत, इन्होंने नाम बदल के स्वच्छ भारत रख दिया। अच्छा, नेम प्लेट बदल गई? कुछ नहीं था, वही था, वो पहले प्रोग्राम था और वो निर्मल भारत के नाम से चलता था, जिसके अंदर 3 घटक थे उस कार्यक्रम में, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। स्टेट लेवल पर मैं जब हेडक्वार्टर चंडीगढ़ मेरे में था तो मैंने पूरे हरियाणा को विजिट किया और वो मेरे सामने सारा कुछ सीन है। अब मैं उस पर चर्चा ना करके यही कहना चाहूँगा कि निर्मल भारत का स्वच्छ भारत लगता था कि भाई स्वच्छ भारत होगा, अच्छे दिन होंगे और होना भी चाहिए, लेकिन वही आगे दौड़ पीछे छोड़। आज आप दूर क्यों जाते हैं, आप अपने शहर में देख लीजिए, चारों तरफ गड़े जात हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई नाम की व्यवस्था नहीं। जो शौचालय बने थे वो नरक है। शौचालय का जहां तक आपने फिर जिक्र कर दिया, उस वक्त 2012 तक की स्थिति में बताता हूँ हरियाणा की, 14 तो बाद में आता है, 95% कवरेज हो गई थी शौचालय की। उस वक्त जो है ना, जो सिर्फ मजदूरी आदमी करता था, बाकी ग्रांट जो है ना सरकार से मिलती थी और वो शौचालय अपना, जिसको कहते थे ना इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंस, वो बना लेते थे। बाद में ही सरकार ने तो वो जो ग्रांट मिलती थी सब्सिडी वो भी बंद कर दी थी। मैं हरियाणा का तो ये कहता हूँ कि जो उस वक्त बने 95%, बाद में तो बना मैंने तो देखा नहीं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत, उसके उस क्षेत्र में हम पिछड़ गए, जो नारा दे के हम चले थे उस पर हम कितना खरा उतरे सबके सामने है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को देने का वायदा था, नौकरियां घटी हैं। दूसरी तरफ कटाक्ष ये हुए कि पकोड़े तलो ये भी एक रोजगार है। काला धन वापसी जी, वर्ल्ड बैंक का आंकड़े, जो दूसरे जो है स्विस बैंक की जो उनकी वो आती है आंकड़े, उनमें ये जाहिर होता है कि हमारा जो काला धन है वो बड़ा है, घटा नहीं, दुगना तिगना हो गया है। वायदा ये, और उस पर चर्चा तक नहीं की जाती। नहीं, वायदा ये किया गया था कि 100 दिन के अंदर कानून बनाएंगे और उस धन को वापस लाएंगे और वो ला करके लोगों को इतना लाभ मिलेगा कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए चला जाएगा। क्या हुआ? पेट्रोल डीजल के दाम आधे कर दिए जाएंगे। बाबा रामदेव आज, हाँ बाबा रामदेव कहते थे 30 रुपए पेट्रोल देने वाली सरकार को चुनोगे या 60 रुपए वाली को। आज ये हालत है कि जो मार्केट के अंदर जो बैरल का रेट है वो घट जाता है, लेकिन दाम एस्केलेट करते हैं, बढ़ते रहते हैं। 100 रुपया पार हो गया डीजल पेट्रोल, एनी हाउ महंगाई डायन, जिसके बारे में सब्जी के और मालाएं डाल कर के प्यार की है उसकी, हमारी वो जो नेत्री थी स्मृति ईरानी, नाम ले या ना ले, जो उस गैस के सिलेंडर को 400 का मिलता था
उसको बहुत कुछ होता रहा करती थी। एनी हाउ वो महंगाई डायन अब उस पर बोलने को तैयार नहीं है। अब उसमें हमारे देश के शीर्ष नेता वो ये कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री का जिक्र है कि महंगाई का मैं शब्द नहीं बोलते, महंगाई का मैं शब्द, वो माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया था। आज महंगाई का क्या दौर है, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। अब चलिए इसके बाद कि जी हम बनारस को क्यूटो, जापान का एक शहर है क्यूटो, बहुत सुंदर शहर है, बनारस को क्यूटो बना देंगे। बनारस का हाल देखा आपने, कितने पुल ढहे और कितना बारिशों में क्या हाल हुआ है बनारस का। वो तो माननीय प्रधानमंत्री का वो है लोकसभा क्षेत्र, ये उसका हाल है। साथ ही साथ ये कहा गया था कि हर सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में दो गांव, दो या एक गांव, पहले एक का था फिर दो का भी रखा गया था। अच्छा। चलिए भाई वो एक गांव हर साल लेगा, वो गोद लेगा, गोद लेगा, आज बता दो आदर्श गांव बनाएगा, आदर्श गांव होंगे, लेकिन उनकी चर्चा तक नहीं होती। नहीं आप ये आप हमारे यहाँ के सांसद से ये पूछ लीजिए, उन्होंने पिछले लगभग 10 साल तो वो रहे, 11वीं साल चल रही है, कौन सा गांव उन्होंने गोद लिया था, अगर उसका नाम नहीं बता दिया, जनता नहीं जानती, जनता के छोड़िए आप सांसद से पूछ लिए कि भाई वो गांव कौन सा है श्रीमान जी जो आपने गोद लिया हो। अरे इन्हीं से अब आगे चले हम, इसके बाद 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे। हम बहुत खुश हुए फरीदाबाद को टैग मिला कि स्मार्ट सिटी होगा, बहुत अच्छा हमें नजर आया। करनाल को भी शायद मिला रही है, उसके बाद दूसरा करनाल को, अब फरीदाबाद पहला स्मार्ट सिटी बना। यहाँ की दुर्दशा देखी आपने, हमने इस पर स्टोरी भी की है, आपने जो 10 साल में ये पिछड़ा है जो शहर, उससे पहले जो था उससे इसकी दशा बिगड़ी है या संवरी है, बिगड़ी है। आप हर आदमी से पूछ लीजिएगा, अपनी नजर से देखिए, सड़कों पे सीवेज का एक पानी, और इसमें ऐड करूंगा मैं कुमारी शहर, बरसाती पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, बिजली पानी सड़कें जी, कूड़े के ढेर, जो हमारे नाले हैं वो शिवर बहते हुए शिवर, दुर्दशा। हाँ स्मार्ट सिटी का जो पैसा है उसे दो काम बहुत अच्छे हुए, एक तो जो हमारे फ्लाईओवर थे ना उन पे कुछ कुछ पेंटिंग सी लगा दी, उन पे करोड़ों रुपए बर्बाद, वो धुल गए बारिश में। दूसरा एक वो लाइटें सी लगाई, वो चाइनीज, और वो महीने में 10 दिन में वो सारी वो खत्म, ये तो हुआ। एक और हैंडबिल्स बांटे गए, लाखों रुपए के हैंडबिल्स इस बात के बांटे कि आप स्मार्ट सिटी के अंदर अपने क्या सुझाव देंगे। अरे जनता से तुम्हें नहीं पता स्मार्ट सिटी में क्या चाहिए जनता को, मूलभूत सुविधाएं, बिजली पानी सड़कें सफाई सीवर व्यवस्था, ये चीजें दे दीजिए आप सिटी में, अपने आप ही स्मार्ट हो जाएगा मूलभूत। यस अब उसमें करोड़ों रुपए, उस पर लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिया, हैंडबिल्स बांटे कि आप अपने सुझाव दो। ये पता नहीं 900 करोड़ खर्च किए और वो खर्च भी हो गया ऐड, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा हो। गौतम साहब इसमें मैं एक चीज ऐड कर 10-20% इस सरकार का ये रहा कि वो पुरानी स्कीम का नाम बदल दो। ये जो स्मार्ट सिटी स्कीम है ना, इससे पहले JNNURM स्कीम थी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन। अच्छा। कुमारी शैलजा शहरी मंत्रालय की मंत्री थी, उनके समय में 1600 करोड़ रुपया फरीदाबाद को मिला। अच्छा। जिसमें यहाँ जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बने, गरीबों के लिए वो मकान भी बने, प्लाट भी दिए गए 100-100 गज के, प्लाट तो हरियाणा सरकार ने दिए। उस स्कीम के तहत जो शहर को मिला, नाले नालियां इनका विकास हुआ, तो ये उस वक्त, अब तो कुछ नजर नहीं आया 10 साल में हमें। वो स्कीम उसका नाम बदल के स्मार्ट सिटी हुआ। अब इसके बाद बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने व्यवस्था देखी है लोकल ट्रेन कॉरिडोर, उसके बाद कैसे पुरानी ट्रेन थी वो बंद कर दी। यहाँ की व्यवस्था ये होनी चाहिए कि बुलेट ट्रेन की हमें बहुत बाद की चीज है। एक बार वो जापान के प्रधानमंत्री के बारे में चुटकुला आया था, उनको श्रीमान जी लेकर के वहाँ वाराणसी
उस पे घाट पे गंगा जी के घाट के ऊपर ले गए और वहाँ 3 घंटे वो टल्ली और वो घंटियाँ बजती रही, आरती चलती रही और वो बेचारे लाचार खड़े रहे। और उन्होंने कहा, कहते मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है? यानी आपके पास इतना टाइम वेस्ट करने को यहाँ है, ये घंटी बजा रहे हो, आपको बुलेट ट्रेन की ज़रूरत क्या है? यहाँ बुलेट ट्रेन की बजाय हमें जो हमारी जो लोकल ट्रेन्स हैं, जो पैसेंजर्स ट्रेन्स हैं, उनके जो फेरे, उनके जो आवागमन है, उनमें डिब्बे उनको बढ़ाए जाए, उनकी फेरे बढ़ाइए, तेजी लाइए, स्पीड बढ़ाइए और ट्रेन चलाइए। अब आपके ये वंदे मातरम ट्रेन कितने सवारी चलती है उसमें, रोज वो उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं। यानी इस तरह के प्लान लेने के बजाय आप जो है आम आदमी की सुख सुविधा की बातें करिएगा ना। बल्लभगढ़ से गुड़गांव ट्रेन मतलब की बात थी मेट्रो ट्रेन की, ऐसे तो बहुत से वायदे थे जो किसानों को, हमने रिवाड़ी में पहली बार हुआ कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है समिति की, उसको साक्षर लागू करेंगे। उस वक्त हमारे यहाँ के प्रधान थे श्रीमान जी ओम प्रकाश धनखड़ जी, बराड़ा साहब कुर्ते निकाल निकाल के विज साहब प्रदर्शन करते थे और कहते थे कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, इनको MSP मिलनी चाहिए, कि फसल के दोगुने भाव मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ 2014 में जो धान का भाव था ना जी, उससे पौना है आज 10 साल में, बढ़ोतरी नहीं घटा है। और जो दूसरे जो उसके जो खेती के अंदर जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं, चाहे वो खाद के हो, डीजल के हो, पेस्टिसाइड के हो, तो उनमें कीमतों में बढ़ा। अरे सर, आम आदमी और एक मिनट सुने ना, और फसल के जिनस के दाम गिरे हैं। अब कहते थे हमने 2022 का टारगेट रखा, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, मैं तो कहता हूँ वो पौड़ी भी नहीं छोड़ी। MSP देंगे पहली कलम से, धनखड़ साहब ने वहाँ रिवाड़ी में कहा था और मोदी जी ने कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहली कलम से पहला MSP लागू होगी। इसके साथ साथ सैनिकों का कि सेना बहुत कमज़ोर है हमारी, सेना को मजबूत बनाएंगे, 1 rank 1 pension देंगे, आज उसमें भी ठग लिया है उनको, वो भी पूरी तरह लागू तरीके से लागू नहीं, उसके लिए आंदोलन भी करते, अभी भी आंदोलन करते हैं, लट्ठे भी बजाए गए थे। इसके साथ साथ सेना को मजबूत करेंगे, अग्निवीर लाके छोड़ दिया, ये मजबूती की दिशा में है। अरे क्या सोच के तुम लेके आते हो, बाप तो रिटायर होता है बाद में, बेटा पहले हो जाता है। 18 साल का युवक जाता है, 22 साल में 4 साल में वो रिटायर होकर घर आ जाएगा, ना पेंशन ना लेना ना देना, 22 साल के बाद पूरा जीवन है उस बच्चे का, क्या करेगा वो, अपराध की दुनिया में कदम रखेंगे। आज ऐसे कई अग्निवीर जो है ना इस दिशा के अंदर कदम रख चुके हैं। पहले हरियाणा में तो कहावत है, बच्चा ज्यादा ज्यादा रोडवेज में कंडक्टर भर्ती हो जाते थे, पुलिस में सिपाही, या अच्छे थे जो वो सेना में भर्ती हो जाते थे, इंतजार किया जाता था कि सेना की भर्ती खुलेगी और हम सेना में जाएंगे, उनके रिश्ते शादी हो जाती थी। आज वो रिश्ते शादियां से तरस रहे हैं, क्यों? सही बात है भाई, 22 साल की उम्र होती है बच्चे की शादी की, उससे पहले वो घर आ जाता है, उस बेरोजगार का कौन रिश्ता करे, शादियां बंद हो गई है, ये सामाजिक भी उनके ऊपर लागू हो गया है। तो ये क्या सोच के काले कृषि कानून आए, 750 लोगों की शहादत हुई किसानों के, 13 महीने बॉर्डर के ऊपर वो आंधी बारिश तूफान में वो बच्चों से, तो वो नहीं, वो जो वो वहां बैठे रहे, उसके अलावा जिस तरीके से खाइयां खो दी, वो मैं सब बता रहा हूँ। हाँ। उसके साथ साथ उनके परिवार भी वहां परेशानियों में जूझते रहे। इसके अलावा आम आदमी जिसको जाना है आना है, बीमार है, रास्ते पे पहुंच रहे, व्यापार ठप हो गए, एक हटता एक सिर्फ, और बाद में क्या माफी भी मांगी और वो वापिस भी हुए,
यानी किस तरह के वायदे हैं, किस तरह के इरादे हैं आपके, क्या सोच करके ये सारा कुछ हो रहा है? ये आपने पूछा कि ये वायदे हैं या कायदे हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आता ये वायदे हैं या कायदे हैं। अब ये आगे का क्या पूरे होंगे कि नहीं होंगे, ये तो पिछले का आप हिसाब उठा लीजिएगा। अच्छे दिन आएंगे, बहुत बुरे दिन आ गए। क्या अच्छे दिन आए हैं, क्या किसके आए यही नहीं पता, ना किसानों के अच्छे आए, किसान जवानों के, दलित दुखे, महिला दुखे, कर्मचारी दुखे, व्यापारी दुखे। नहीं नहीं, आज हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ मैं, दूर की बात देश की छोड़ दीजिएगा। किसान दुखी, पहलवान दुखी, जवान दुखी, दलित दुखी, महिला दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, तो सुख किसको है? ये जो आपके वायदे इरादे हैं ये कितने कारगर हैं? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अरे पता नहीं कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े वो है ना, बड़े 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 शब्द, यशस्वी, ओजस्वी, भ्रष्टाचार मुक्त, और पता नहीं क्या क्या खर्ची पर्ची। अब 45 तो पेपर लीक हो गए हैं, जो भी एग्जाम होता है उसी का पेपर लीक। ये बगैर पर ये खर्ची पर्ची से है, क्या है ये? जो HPSC के हमारे जो कमीशन के सेक्रेटरी मिस्टर नागर, उनकी दराज में से 1.5 करोड़ रुपए वहां बरामद होता है, 3 करोड़ रुपए वो मानते हैं, कहाँ से आया भाई वो? नौकरी देने वाला है ना हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसे ही हरियाणा शॉर्ट सर्विस कमीशन का हाल, वहाँ के जो अध्यक्ष थे मिस्टर भारती, जो पेवा से थे, उनको जाना पड़ा। बलात्कारी, जो छेड़छाड़ के आरोप में जो मंत्री संदीप सिंह, उनका यही हाल। तो इस तरीके से हम तो ये कहेंगे कि जो वायदे हैं, इरादे हैं, वो ना तो पीछे पूरे हुए और आगे होंगे, ये जनता जाने, और इसका फैसला चुनाव के अंदर। जनता को चाहिए कि इन सब बातों को अपने जहन में बैठा करके, और लेकिन हमारी जनता की याददाश्त भी तो बहुत कमजोर होती है। नहीं, अभी तो वक्त है, समय है, अब यही निर्णय लेने का। चलिए, तो इतना ही बहुत कुछ। ये जो हमारा एपिसोड था या वीडियो था, ये था कि जो पार्टियां चुनावों में चुनावी वादे करती हैं जनता को लुभाने के लिए, ये कई सुविधाएं देने के वादे, कोई महंगाई पर लगाम लगाने के, नौकरी देने के, भ्रष्टाचार खत्म करने के, या जिसमें अभी चर्चा भी हुई कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने के वादे, तो छोटा करो, छोटा मतलब ये सब चीज़ें कहाँ पूरी हुई हैं? तो वादे जो है वो किए जाएं जो पार्टियां उन्हें पूरे कर सके, और जनता को भी 5 साल में याद रखना चाहिए कि 5 साल पहले इस पार्टी ने जो सत्ता में क्या वादे क्या किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए, और जो नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। तो जिसने अपने वादे पूरे नहीं किए उसको वोट ही नहीं देना चाहिए जनता को। तो दोस्तों, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं मीडिया कर्मी होने के नाते, अब जनता अपना फर्ज निभाए वोट देते हुए कि उसको क्या करना है, किसको वोट देनी है। तो दोस्तों, ये था हमारा वादे इरादे, जो भी आप कह लें, कि जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कैसे कैसे मनोहारी वादे किए जाते हैं, लेकिन उन पर 10% भी खरे नहीं होते। तो दोस्तों, ये था हमारा कार्यक्रम, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार देवेंद्र सुरजेवाला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बेहतरीन तरीके से इस मुद्दे को हमारे दर्शकों के सामने उठाया, और आगे भी हम इसी तरीके के कार्यक्रम करते जी रहेंगे। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।